आज हम आपकी ओ की मात्रा का अभ्यास करेंगे। आपकी पुस्तक का प्रश्न क्रमांक 37। पहला है हमारा बहुविकल्पी प्रश्न। आपको पता है बहुविकल्पी प्रश्न में क्या होता है? एक प्रश्न दिया होता है और उसके विकल्प दिए होते हैं, हमें उन विकल्प में से सही विकल्प को चुनना होता है। पहला नंबर है हमारा, मोहन के पास क्या था? जो मोहन था उसके पास क्या था? क मोर, ख घोड़ा, ग तोता और घ सभी। सभी का मतलब मोर, तोता और घोड़ा, उसके पास सभी थे। सभी थे उसके पास नहीं। क्या है हमारे पाठ का नाम? मोहन का घोड़ा। और हमारे कविता की पहली लाइन है, नटखट था मोहन का घोड़ा। तो मोहन के पास क्या था? घोड़ा। तो यहाँ हमने घोड़ा पर सही का चिन्ह लगाया है। अगला है हमारा नंबर दूसरा, मोर वन में क्या कर रहा था? जब मोहन वन की तरफ गया तो वहां पर एक मोर था, और वो मोर क्या कर रहा था? क गा रहा था, मतलब वो गाना गा रहा था। ख फुदक रहा था, या वो यहाँ वहां उछल रहा था। ग नाच रहा था, या घ उड़ रहा था। क्या कर रहा था मोर? उधर नाचता था एक मोर, मतलब मोर क्या कर रहा था वन में? नाच रहा था। तो हम यहाँ नाच रहा पर सही का चिन्ह लगाएंगे। अगला है हमारा नंबर तीन, धोबी क्या करता था? जो धोबी था वो क्या करता है? क कपड़े धोता था, ख भोजा ढोता था, ग घोड़े पर घूमता था, और घ नाचता था। क्या करता है धोबी? कपड़े धोता है। धोबी क्या करता था? कपड़े धोता था। बस सही का चिन्ह लगाएंगे। अगला है हमारा नंबर चार, तोता क्या कर रहा था? नंबर चार है हमारा, तोता क्या कर रहा था? तोता क्या कर रहा था? क फल खा रहा था, घ उड़ रहा था, ग बोल रहा था, या घ सो रहा था। क्या कर रहा था तोता? सो रहा था। क्योंकि आपकी कविता की लाइन में लिखा क्या लिखा है? पेड़ पर सोता था एक तोता। तोता क्या कर रहा था? सो रहा था। अब आपका प्रश्न क्रमांक 38। हमारा पहला प्रश्न है, एक शब्द में उत्तर लिखो। हमें एक शब्द में इनके उत्तर लिखना है। पहला है हमारा, घोड़ा किसका था? जो घोड़ा था वो किसका था? किसका था घोड़ा? मोहन। म मम्मी ओ की मात्रा, मो ह न मोहन। घोड़ा किसका था? मोहन। नंबर दो, उसका घोड़ा कैसा था? मोहन का घोड़ा कैसा था? नटखट। नटखट था मोहन का घोड़ा। तो मोहन का घोड़ा कैसा था? नटखट। न ट ख ट नटखट। नंबर तीन, वन में कौन नाच रहा था? वन वन मतलब जंगल। जंगल में कौन नाच रहा था? कौन नाच रहा था जंगल में? मोर। म ममे ओ की मात्रा, मो र मोर। नंबर चार है हमारा, धोबी के हाथ में क्या था? जो धोबी कपड़े धो रहा था उसके हाथ में क्या था? क्या था उसके हाथ में? सोटा। स समे ओ की मात्रा, सोन। न ट टमया की मात्रा, टा सोटा। नंबर पांच, पेड़ पर कौन सोता था? पेड़ पर
कौन सोता था, मतलब पेड़ के ऊपर कौन सो रहा था? तोता। त तमे ओ की मात्रा तो, त तमे आ की मात्रा ता, तोता। अगला है हमारा पूरा करो। यहाँ पर कविता की पंक्तियां दी हैं, हमें इनको पूरा करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है उधर नाचता था, तो उधर नाचता था के आगे क्या था हमारा? एक मोर। कौन नाच रहा था? एक मोर। तो उधर नाचता था एक मोर। अगला हमारा यहाँ पर डैश लगा है और यहाँ पर लिखा है तोता, तो इसके आगे क्या आएगा? पेड़ पर सोता था एक तोता। उसके नीचे है हमारी तीसरी लाइन, वहां पर लिखा है असर, और असर के बाद में हमारा डैश छूटा है और यहाँ है हमारा पूर्ण विराम। तो यहाँ पर आएगा शोर का कुछ ना होता। अब हम इस लाइन को एक साथ पढ़ते हैं। उधर नाचता था एक मोर, पेड़ पर सोता था एक तोता, असर शोर का कुछ ना होता। मतलब जंगल में एक मोर नाच रहा था और पेड़ पर एक तोता सो रहा था, जिसको शोर का कोई भी असर नहीं हो रहा था। उसके नीचे है हमारा टुक मिलाकर नए शब्द बनाओ। टुक मतलब उसी के जैसे दूसरे शब्द लिखो। पहला है हमारा ठ, ठ में ओ की मात्रा ठो, क र ठोकर, तो ठोकर जैसा दूसरा शब्द क्या होगा हमारा उससे मिलता जुलता? जोकर। ठोकर जोकर। ज, ज में ओ की मात्रा जो, क र जोकर। अगला है हमारा ढ, ढ में ओ की मात्रा ढो, ल, तो ढोल जैसा दूसरा शब्द, ब, ब में ओ की मात्रा बो, ल, ढोल बोल, ढोल बोल। तीसरा शब्द है म, म में ओ की मात्रा मो, र, मोर, मोर डोर, ड, ड में ओ की मात्रा डो, र, डोर, मोर डोर। ब, ढ, र में ओ की मात्रा ढो, बढ़ो। च, ढ, ड में ओ की मात्रा ढो, चढ़ो। अगला है हमारा ज, ज में ओ की मात्रा जो, क, र, जोकर, मोटर, जोकर, मोटर। म, म में ओ की मात्रा मो, ट, र, मोटर। ब, ब में ओ की मात्रा बो, ल, में आ की मात्रा ला, बोला खोला, बोला खोला। ख, ख में ओ की मात्रा खो, ल, ल में आ की मात्रा ला, खोला। प, क, ड, ड में ओ की मात्रा ड़ो, पकड़ो, जकड़ो, पकड़ो, जकड़ो, पकड़ो, जकड़ो। अगला है हमारा ढ, ढ में ओ की मात्रा ढो, तो तमे आ की मात्रा ता, ढोता सोता, ढोता सोता। इसी तरह नीचे है हमारा पढ़ो और समझो। घोड़ा घोड़ी, घोड़ा घोड़ी, ये है हमारे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। यहाँ पर है घोड़ा, घोड़ा है पुल्लिंग और घोड़ी है स्त्रीलिंग। घोड़ा घोड़ी। धोबी धोबीन, जो कपड़े धोता है उसको बोलते हैं धोबी, और अगर धोबी है तो, और अगर कोई लेडीज है, औरत है, वो कपड़े धोती है, तो उसे क्या बोलते हैं? धोबीन, धोबी धोबीन। इसी तरह मोटा मोटी, मोटा मोटी। मोर मोरनी, मोर मोरनी। आपको ये सारा कार्य आपकी कॉपी में सुंदर अक्षरों में करना है। धन्यवाद।